नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए घड़ी का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो अक्सर गलत पढ़ाया जाता है। आज इस वीडियो में हम बेसिक व शॉर्ट ट्रिक दोनों मेथड से उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, राधा प्रातः 5 से 6 बजे के बीच घर से निकली और सायं 8 से 9 बजे के बीच घर लौटी, तो देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां की स्थिति बदल गई है। दोस्तों, राधा है वो सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच घर से निकलती है। एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा, क्या दे रखा, 5 से 6 बजे के बीच घर से निकलती है और शाम को 8 से 9 बजे के बीच घर लौटती है। तो वह देखती है कि घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुई की स्थिति आपस में बदल गई। पहले जहाँ पर घंटे की सुई थी वहाँ पर आ गई मिनट की, और पहले जहाँ पर मिनट की सुई थी वहाँ पर आ गई घंटे की सुई, यानी दोनों की स्थितियाँ आपस में बदल गई। तो ज्ञात करें वह घर से कब निकली और घर कब पहुँची। दोस्तों, अक्सर ये गलत पढ़ाया जाता है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक आपको मिलेगा, जो आपने देखा होगा, वो 60/30 ये वाला है। ये बिल्कुल गलत है, इसको हम प्रूव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि राधा जब घर से निकली तो 5 बजे से 6 बजे का कुछ समय हो रखा था, यानी जब राधा निकली घर से तो समय क्या हो रखा था, 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय, यानी जो घंटे की सुई थी वो तो कहाँ थी, 5 से 6 के बीच में, और मिनट की सुई कहाँ थी, जो बड़ी वाली सुई होती मिनट की, वो थी 8 और 9 के बीच में, यानी ये कुछ समय हो रखा था। जब वह घर वापस आई तब समय क्या हो रखा था, जो घंटे की सुई थी वो तो आ गई 8 और 9 के बीच में, और मिनट की सुई कहाँ पर आ गई, 5 व 6 के बीच में, यानी पहले जहाँ पर घंटे की सुई थी वहाँ पर आ गई मिनट की सुई, पहले जहाँ पर मिनट की सुई थी वहाँ पर क्या आ गई, घंटे की सुई, यानी दोनों की स्थितियाँ आपस में चेंज हो गई और इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, देखो पहले जहाँ पर ये दोनों सुइयाँ थी आपस में चेंज हो गई, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बस ये सुइयाँ चेंज हुई आपस में, इनके बीच का जो एंगल है वो सेम रहेगा। पहले यहाँ पर थीटा एंगल था तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। बस ये अगर ये पहले प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये सुइयाँ आपस में चेंज हो गई ना आगे पीछे, तो ये प्लस का थीटा था तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा, एंगल बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसी से हम इसको सोल्व करेंगे। और एंगल बराबर क्या होता है, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई का बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना आवर/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, इसी से हम निकालेंगे। तो माना कि जब वह घर से निकली तब समय हो रखा था 5 बजकर x मिनट, यानी समय तो हमें दे रखा 5 घंटे 5 व 6 के बीच में, और माना मिनट कितनी थी, एक्स मिनट, माना उस वक्त एक्स मिनट हो रखी थी, यानी 5 बजकर x मिनट पर वो घर से निकली। तो एंगल क्या होगा इसके बीच का, 11 गुना मिनट, मिनट कितनी है एक्स, माइनस 60 गुना आवर, आवर क्या है 5/2, बराबर होगा किसके, अब इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहां पर क्या समय हो रखा है, यहां पर 8 बजकर कुछ मिनट समय हो रखा है, यहां पर आवर क्या है 8, और यहां पर मिनट कितनी हो जाएगी। तो मिनट के लिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर ये क्या है, मिनट वाली सुई है, अब ये मिनट वाली सुई यहां पर आ गई है, तो यहां पर कितनी मिनट हो गई, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ से 12 से चलेगा तो यहाँ कितनी होगी, 5 तक कितनी हो जाएगी 25 मिनट, 5 तक कितनी हो जाएगी 25 मिनट हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी 25 मिनट। अब ये एक्स्ट्रा मिनट है, ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना। जो आवर वाली सुई होती है, आवर हैंड होती है, जो घंटे वाली सुई होती है वो 60 मिनट में 5 मिनट चलती है, 60 मिनट में 5 मिनट चलती है, यानी जब 60 मिनट होती है यानी 1 घंटा, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई यहाँ पर पहुँचती है, यानी 5 ही मिनट चलती है, फिर अगले 1 घंटे में फिर ये 5 मिनट चलेगी, फिर अगले घंटे में फिर 5 मिनट चलेगी, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 5/60 यानी 1/12 मिनट, और एक्स मिनट में कितना चलेगी, x/12 मिनट, यानी घंटे वाली सुई है वो एक्स मिनट में चलेगी, x/12 मिनट। तो ये यहाँ से यहाँ वाला जो गैप है कितना है, यह x/12 है, तो यहां पर मिनट 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 हो जाएगी 11
25 तो पहले यहां से होगी, 5, 10, 15, 20 और 25, 25 तो पहले से है, प्लस एक्स बटे 12 इसमें और ऐड कर देंगे, माइनस 60 गुना आवर, यहां पर घंटा क्या है 8/2। अब ये यहां पर अगर प्लस का है तो ये वाला क्या होगा माइनस का, तो यहां पर हम माइनस लगा देंगे, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या होगा सेम होगा, बस यहां पर एक ही वेरिएबल है वो क्या है एक्स, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर 11x-30, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बराबर माइनस है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा 275-11x/12 और प्लस ये हो जाएगा 480। पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा तो 143x/12, आप ट्राई कर लेना इसको, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉरी यहाँ पर ये 300 होगा, यहाँ पर 60 गुणा 5 होगा 300, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 25, 25+480 हो जाएगा 505। तो यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6060/143, तो एक्स बराबर हो जाएगा 6060/143। और जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, जब इसमें आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 42/54/143, ये इसका आंसर है, यानी वो घर से कब निकली 5:54 और 54 सॉरी 54/143 इस टाइम पर वो घर से निकली थी, और घर पहुंचेगी कब, देखिए रहा 25+x/2, जब हम इसमें 25+x का मान यहाँ से रख देंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो इस वाले टाइम पर वो घर पहुंचेगी, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर समय क्या हो जाएगा 8:28/143, इस टाइम पर वो घर से निकलती है, इस टाइम पर घर पहुंचती है। ये तो इसका बेसिक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे। हमारा प्रश्न था कि राधा 5 से 6 के बीच घर से निकलती है और 8 से 9 के बीच घर पहुंचती है, तो घर से निकलने का समय क्या होगा, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है 5H1। H1 का मतलब है जब घर से निकलती है तो पहले वाले ये वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये हो गया H1, और H2 का मतलब हो जाता है दूसरे की फर्स्ट वैल्यू, ये हो जाएगी H1 और ये हो जाएगी H2, आवर फर्स्ट आवर सेकंड, तो 5H1+60H2 12/143। तो यहाँ पर वैल्यू आप जब रखोगे तो सेम वही आंसर आएगा, 5H1 की वैल्यू कितनी है 5+60H2 की वैल्यू है 8 और 12/143, तो हो जाएगा 480, हो जाएगा 25 वही 505 गुणा 12/143, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6060/143, और एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या थी सेम यही थी, तो देखो सेम ही है, वो हमने बेसिक से ट्राई किया था एंगल निकालकर, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों घर से निकलने का टाइम, और जब घर से पहुंचने का टाइम पूछे तो जैसे हमने ऊपर किया था 25+x/12 है, सेम वैसा ही हमें करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 5H1+x/12, यह आपको याद रखना है, घर से निकलने का समय का फॉर्मूला तो यह है और पहुंचने का समय क्या है 5H1+x/12 है, ये जब आप वैल्यू रखोगे तो घर कितने बजे पहुंची वो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।